हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय हनी बॉय। आजकल बहुत परेशानी चल रही है यार। देखो भाई, जहाँ पैसा है वहाँ खुशियाँ है, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ खुशियाँ नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो सब मानते हैं। और इसी पैसे कमाने की दौड़ में बैठ जाए। अंटे कहाँ पर तक जा रहे हैं आप? कोई नहीं, रख दो रख दो रख दो, मैं पकड़ रखा है, मैं पकड़ लो। बैठ गए आंटी। और पैसे कमाने से ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें ये इम्पोर्टेंट होती है। क्या है दादी? मेरा गांव तो आगे है, खेड़ा खाल जी। ये आराम से हो गया। क्या पैसे? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं ठीक है। अरे कोई नहीं दादी, पैसे पैसे क्यों चाहिए भाई मुझे? मैं तो यार कितनी प्यारी थी आंटी। चलो यार कोई नहीं, नेक काम करो, अच्छा लगता है खुद ही को। क्यों यार, पूछा भी कैसे पर उन्होंने कि पैसे आफ्टर लिफ्ट यू एस्क फॉर मनी। अगर आप किसी से लिफ्ट मांगते हो, मतलब आप किसी को लिफ्ट देते हो और उससे बाद में पैसे ऐंठते हो, तो यार बहुत बुरी चीज़ है। ओह माय गॉड, स्कूटर इतना तेज भागता है क्या? पता नहीं था। ओ दीदी डराए मत करो। भाई जी आराम से आ रहा। अरे यार भाई इतने अरे यार मेरा भाई, उसे सही से तो उठाओ। जान में हो गया। आराम से चलो यार थोड़ा, वैसे इतना अरे मेरे भाई करो करो। अरे कोई नहीं कोई नहीं यार भाई जी, कोई नहीं भैया, वो लग जाती उन पे यार, कुछ पे आ जाता गाड़ी के नीचे तो बेटा थाने में बंद करवा दूंगा अभी, ठीक है ना? स्कूटर खड़ा कर लो, पैदल ही जा लो, इससे बढ़िया। एक से एक भरे थे यार सही रोड में। आपके लगी तो नहीं भाई जी? क्या यार, क्या नमूने भर रहे हैं।
तो यार एक्सीडेंट की वीडियो आपने देखी थी होगी, और तो ये जो मैम है वो इंस्टाग्राम में मेरी एक फ्रेंड है, और एक्सीडेंट हो गया, मैंने हाय बाय और मैं निकल गया, और उसके बाद रात में मुझे मैसेज आता है कि भाई जब एक्सीडेंट हुआ था एटलीस्ट रुकते तो सही, हाय करके और निकल गए, ये कैसी लीला है प्रभु। उस टाइम मैंने फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग देखी और स्लो कर करके देखा, और मैंने देखा कि यहाँ पे इनके पीछे लगी है बैक में, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं रुका क्यों नहीं वहाँ पे। तो सही में अगर मुझे पता होता कि उनके लगी है तो ऑब्वियसली बात है यार मैंने रुकना ही था, पर मैं नहीं रुका। एक तो यार मेरा पूरा फोकस उस स्कूटर वाले पे था, और मैंने बस ये देखा कि आगे से आती हुई मैक्स पे ठुका और गिर गया, पर मैंने वो नहीं देखा कि आगे भी उनके कोई है वो मैम। पर कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया भाई। ऐसे क्यों होता मेरे साथ। एक बार जनाब आप रोड में निकल के तो देखो क्या क्या हादसे होते हैं, आपको तब पता लगेगा। बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लोग भर रखे भाई। दारू पी रही थी, अब बेचारे को बेचारा भी क्यों बोलना, पर उसको मार के मिलता क्या, अपनी बेवकूफ़ी लगती है। ऐसा लगता है कि गधे को तुम मार रहे हो, अब उसने दारू पी रही थी, अब उसे मार के भी ऐसा लगता है जैसे किसी गधे को 2x2 सिखा रहे हो कि कितना होता है। तो फ़ायदा क्या है उसे मारने का, कोई रीज़न ही नहीं है। उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी ताकि, पर यार वो लग भी गरीब रहा था तो इस वजह से, तो मैंने बोला रहन दो जाने दो छोड़ो। कई लोगों को तो सड़क में निकलने नहीं देना चाहिए। कैसे रोकते हैं लोग गाड़ी। उसकी वजह से मेरा ड्रोन भी नीचे गिर गया। मैं बुलेट से उतर जाता पहले यार, पर ड्रोन था ना मेरे पे, वो भी ऐसे ढीला लग रखा है। अब आप लोगों में से कोई ये भी बोल सकता है कि उसको पकड़ के पीटना चाहिए था, या तो उसको पुलिस पे ले आना चाहिए था। तो एक बार उस बेचारे भैया की यार शकल देखो, लग रहा है उन पे इतने पैसे होंगे जितने के वो खुद नहीं होंगे, उतने से ज़्यादा उनका फ़ाइन चढ़ जाएगा उनके ऊपर। अब वैसे पुलिस वालों पे इतना दिमाग हो, अब पुलिस वाले खुद ही छोड़ देंगे पहले तो, उन्हें पकड़ेंगे भी नहीं। और कहाँ, यही रहते तुम लोग? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके अच्छा, ओके ब्रो, बाय बाय ब्रो। छोटे छोटे बच्चे मिले अभी मुझे, छोटे छोटे फैंस, क्यूट किड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो डू कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर लेना। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियो लाइक दिस डू कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।